अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने होममेड चॉकलेट्स बनाई है। चॉकलेट्स तो हर किसी को पसंद होती है और ये बड़ी आसानी से बन भी जाती है। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चॉकलेट्स बनाने के लिए मैं दो तरीके की चॉकलेट्स यूज़ करने वाली हूँ आज, एक डार्क कंपाउंड चॉकलेट और एक वाइट कंपाउंड चॉकलेट। मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट के लिए वैनिलर ब्रांड लिया है और वाइट कंपाउंड चॉकलेट के लिए मैंने 2M लिया है। आप किसी भी ब्रांड की चॉकलेट्स यूज़ कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मॉर्डे की चॉकलेट का ब्रांड ना यूज़ करें, बिकॉज उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। तो चलिए हम इस दोनों चॉकलेट्स को डबल बॉइलिंग मेथड के हेल्प से मेल्ट कर लेंगे। एक पैकेट में 500 ग्राम्स चॉकलेट्स आता है, बट इसमें से मैं आज इसकी हाफ जो होता है 250 ग्राम्स यूज़ करने वाली हूँ। 500 ग्राम्स में बहुत सारी चॉकलेट्स बन जाएगी, पर आज हम थोड़ी सी चॉकलेट्स बना रहे हैं इसलिए मैं 250 ग्राम्स यूज़ करने वाली हूँ। इसमें से भी मैं 250 ग्राम्स चॉकलेट्स निकाल लूँगी और हम इसे मेल्ट कर लेंगे। हमें इसे छोटी छोटी पार्ट्स में कट कर लेना है। डबल बॉइलिंग करने के लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसके ऊपर मैं मेरी चॉकलेट का बोल इस तरीके से रख दूंगी और चॉकलेट को मेल्ट होने रख दूंगी। देखिए चॉकलेट अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। एक बात का ध्यान हमें रखना है कि जब हमारी चॉकलेट को मेल्ट कर रहे होंगे तब हमें गैस का फ्लेम स्लो रखना है, इससे जो हमारी चॉकलेट बनेगी उसमें मॉइस्ट नहीं आएगा, वो मॉइस्चर नहीं कैप्चर करेगी। जब हम डबल बॉइलिंग के लिए रखते हैं हमारी चॉकलेट को, तब ये ध्यान में रखना है कि पानी जो है वो हमारी चॉकलेट के बाउल को टच ना हो। देखिए मैंने दोनों चॉकलेट्स को अच्छी तरीके से मेल्ट करके ले लिया है। मेक श्योर कि इसमें कोई भी चॉकलेट्स के चंक्स ना रहे, अच्छी तरीके से ये मेल्ट हो जाना चाहिए। और अब ये रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं, एकदम गर्म नहीं रहना चाहिए ये। अब हम इसमें एक चम्मच सॉल्टेड, ये अमूल का बटर है, मैं ये डालने वाली हूँ। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप इसमें एक एक चम्मच कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं। एक एक चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, और हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बटर से इसमें बहुत अच्छे सा टेस्ट आ जाएगा और एक शाइन आ जाती है। देखिए बटर डाल के मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, आप खुद से देख सकते हो इसमें इतनी अच्छी शाइन आ चुकी है। इसमें भी अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। सॉल्टेड बटर लेना है, ये याद रखिए, अनसॉल्टेड नहीं लेना है। ये देखिए मैंने कुछ पाइपिंग बैग्स लिए हैं, मैं इसके अंदर मेरी चॉकलेट्स को डालकर मोल्ड्स में रखूंगी। इससे ये होता है कि जो हमारा फिलिंग होता है वो मेस फ्री होता है। देखिए मैंने दोनों चॉकलेट्स को इस तरीके से पैकिंग बैग्स में फिल कर लिया है। मेरे पास दो सिलिकन चॉकलेट मोल्ड्स हैं, आप कोई भी शेप के सिलिकन चॉकलेट मोल्ड्स ले सकते हैं, ये इस तरीके से होते हैं, इससे आसानी से हमारी चॉकलेट्स बाहर आ जाएगी। चलिए अब हम इसमें हमारी चॉकलेट फिलिंग डालेंगे। चॉकलेट्स कभी भी ऊपर तक नहीं फिल करनी है, थोड़ा सा गैप हमें छोड़ देना है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप एक स्पून के हेल्प से भी इसे फिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें वाइट कलर की चॉकलेट डाल दूंगी। अब हमें इसे इस तरीके से टैप कर लेना है ताकि ये हर जगह से इक्वल हो जाए। इस वाले को भी हम इस तरीके से टैप कर लेंगे। अब मैं चॉकलेट्स को फ्रीज़र में रख दूंगी। मेक श्योर कि आप इसे फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में नहीं रखना है, वरना चॉकलेट्स नहीं बनी। देखिए चॉकलेट्स हमारी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। मैं आपको एक डीमोल्ड करके दिखा देती हूँ कितनी आसानी से ये निकल जाएगी। देखिए इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरीके से हम ये मैंने सारी चॉकलेट्स को अच्छी तरीके से डीमोल्ड कर लिया है। अब मैं इसे आपको किस तरीके से पैक करते हैं वो मैं दिखाऊंगी। चॉकलेट्स पैक करने के लिए मैंने ये वाला कवरिंग लिया है, ये कोई भी आपको स्टेशनरी शॉप्स में मिल जाएगी। चॉकलेट्स पैक करने के लिए बहुत अलग अलग पैकिंग आती है, बट मैंने ये वाला लिया है। ये मैंने एक रैपर ले लिया है, इसके अंदर एक चॉकलेट हम इस तरीके से रखेंगे और चारों साइड से हम इसे ऊपर ले लेंगे इस तरीके से, और ये ट्विस्टर होता है,
इसको मैं इसमें लगाकर इस तरीके से हमें इसको ट्विस्ट कर देना। इस तरीके से हमें हमारी चॉकलेट्स को पैक करना है।